अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था एंजाइम्स, और आज हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन और जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की टर्म सबसे पहले यूज़ की थी विनहेम कोहने ने 1878 में, जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था। और एंजाइम जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स मतलब इस स्लाइड में आपको फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, टू टाइप्स की प्रोटीन नज़र आ रही हैं। ब्लू कलर में जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है, जिसमें दोनों ही अमाइनो एसिड से इसके स्ट्रैंड मिलकर बने हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दे रहा है। जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और जैसा कि लाइक ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट फॉल टू प्रोड्यूस अ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल। पहले ये लॉन्ग लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, तो उन वो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं अमाइनो एसिड के, वही शेप फोल्ड होने के बाद जस्ट ग्लोब लाइक राउंड शेप, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं। और एंजाइम्स जो होती हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, जो कि मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट फोल्ड टू मेक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर दैन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। मीन्स के वो रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें एंजाइम यूज़ होता है, वो मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर होते हैं उनके मुकाबले में जिनमें एंजाइम यूज़ नहीं होता। और जिनमें एंजाइम यूज़ नहीं होता, जिन रिएक्शंस में एंजाइम नहीं यूज़ किया जाता, उनको कहते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, और जिनमें यूज़ होता है उनको कहते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शंस। नंबर थ्री है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम यूज़ किया जाता है, और वही एंजाइम उसको प्रोसीड कर सकता है। अगर उसकी जगह कोई और एंजाइम आके उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन रेट उस तरह से फास्ट नहीं होगा या रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो रिएक्शन की जो टाइप है, एंजाइम की जो टाइप है वो स्पेसिफिक है किसी भी रिएक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कैटालिटिक रीजन इज़ नोन एज एक्टिव साइट। एंजाइम्स पे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एंजाइम्स के ऊपर जो एक्टिव साइट है, जस्ट स्मॉल पोर्शन जो कि यूज़ होता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एंजाइम ख़ुद तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ख़ुद खुद यूज़ किए बगैर रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। तो ये एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट्स अटैच होते हैं, और उस रीजन को हम कैटालिटिक रीजन भी कहते हैं, जिसने कैटालाइज करना होता है रिएक्शन को। अब जो एंजाइम एक्टिविटी है, कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। मतलब एंजाइम एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेटर्स हैं और इनहिबिटर्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं या रोकते हैं अगर सेल में उनकी ज़रूरत नहीं है, पूरी हो गई है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जितनी प्रोडक्ट चाहिए, अगर एक सेल में उतनी प्रोडक्ट बन गई है, उतने मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, तो अब उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको कहते हैं इनहिबिटर्स, कि अब इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, और वो इनहिबिटर्स आके एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ना बने और नुकसान ना हो। इसी तरह अगर सेल की नीड है, अकॉर्डिंग टू नीड, अगर सेल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, इन्हांसिस, बढ़ा देना, इन्हांसिस द एंजाइम प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड।
अगर सेल के अंदर ज़रूरत है कोई प्रोटीन बनानी है या कुछ भी कोई भी रिएक्शन जैसे प्रोडक्ट बनानी है ज़रूरत है, तो हम उस जगह पे आके एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स आके एंजाइम प्रोडक्शन को एनहांस कर देते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि अकेले ही काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए। उनमें हैं एक तो कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? अगर एंजाइम के साथ आके नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयंस आके अटैच हो जाएं जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में एंजाइम क्या हेल्प आउट करते हैं एंजाइम को, उनको कहते हैं कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स फॉर एग्जांपल मेटल आयंस, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स फॉर एग्जांपल फ्लेविन या हीम, ये विटामिन है। अब फ्लेविन या हीम के मॉलिक्यूल्स एग्जांपल है ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर आगे फर्दर जो है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड है। अगर एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक फैक्टर लूजली अटैच होंगे तो उनको हम कहेंगे कोएंजाइम्स, जबकि अगर टाइटली बाउंड होंगे एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर तो उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब कोफैक्टर्स, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। और कोएंजाइम, जैसे कि पहले बताया कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, उनको कहते हैं कोएंजाइम। अब कुछ कोएंजाइम जो हैं वो ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, यानी कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम के अंदर, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे प्रोसीड करवाता है। और इनमें से कुछ विटामिन्स हैं, फॉर एग्जांपल राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फॉलिक एसिड एक्ट एज कोएंजाइम्स। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम, एक से ज़्यादा एंजाइम मिलके काम करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, यानी कि पहले एक एंजाइम काम करेगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट होगी वो दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा, फिर उसके बाद वो उसका दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट तीसरे एंजाइम के साथ जाके अटैच होगा, फिर जाके कहीं प्रोडक्ट हासिल होगी। इस पूरे जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, एक पाथवे बन जाता है। मतलब कि पहले नंबर वन एंजाइम आएगा, एंजाइम वन कोई भी हो सकता है, उसके बाद जो उससे प्रोडक्ट मिलेगी वो अगले का सबस्ट्रेट होगा। मतलब कि करते ही इकट्ठे काम है, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, पहले एंजाइम वन आएगा उसके बाद फिर अगला एंजाइम आएगा, ऐसा नहीं है कि थर्ड वाला पहले आ जाए या सेकंड वाला पहले आ जाए। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ एन अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट, मतलब कि पहले एंजाइम की प्रोडक्ट सेकेंड एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, इसी तरह सेकेंड एंजाइम की प्रोडक्ट थर्ड वाले एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, और उसके बाद जाके फाइनल एंड प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड है वो मिलती है। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम। अब ये क्लियर मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया गया है जिसमें पहला सबस्ट्रेट है, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन है, तो एक एंजाइम यूज हो रहा है ब्लू कलर में जो है वो एक फर्स्ट एंजाइम है, उसके बाद पहला उसका जो प्रोडक्ट बनेगी जिसमें इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये नेक्स्ट एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होगी। नेक्स्ट की जो प्रोडक्ट होगी वो थर्ड वाले की एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होगा, और तीन रिएक्शंस के बाद जाके फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड।